गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ आज उनके घर शॉन का छोटा भाई डुगू आया हुआ है। डुगू कहता है कि गुल्ली बुल्ली आज तुम लोगों के पास आकर बहुत अच्छा लगा है मुझे, लेकिन अब रात काफी हो गई है, मुझे लगता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। शॉन कहता है कि हाँ बात सही है डुगू, चलो हम लोग तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देते हैं। गुल्ली कहता है कि शॉन डुगू का घर यहाँ से है कितनी दूरी पर। शॉन कहता है कि गुल्ली डुगू का घर यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है, लेकिन याद करो हमें आधे घंटे में बाबा के पास भी जाना है पिकनिक के लिए। गुल्ली कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो शॉन, मैं एक शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ जिससे हम डुगू को जल्दी से जल्दी उसके घर तक छोड़ पाएंगे और फिर हम बाबा के पास भी जा सकते हैं। आओ तुम सभी लोग गाड़ी पर बैठो। और ये सभी लोग जीप के अंदर आकर बैठ जाते हैं। डुगू कहता है कि गुल्ली बुल्ली मुझे भी तुम लोगों के साथ में पिकनिक मनाने चलना है। गुल्ली कहता है कि जरूर चलना डुगू, लेकिन थोड़े और बड़े हो जाओ तुम तभी आ सकते हो तुम हमारे साथ। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि जिस रास्ते से होकर ये लोग डुगू के घर जा रहे हैं उस रास्ते पर जेसन का कब्जा है। जेसन तभी इविल नन को फोन लगाता है। इविल नन तैयार हो जाओ, गुल्ली बुल्ली और शॉन आज हमारे हाथ लगने वाले हैं। हा। और तभी वहाँ इविल नन अपनी नई बाइक पर बैठकर आती है। इविल नन कहती है कि कहाँ गए हैं वो लोग जेसन, जल्दी बताओ मुझे। जेसन कहता है कि वाह तुम्हारी बाइक तो बहुत कमाल की है इविल नन, कहाँ से मिली है तुम्हें। इविल नन कहती है कि मैंने कल रात में एक बहुत अमीर आदमी को लूटा था और फिर उसको मार दिया था, ये उसी की बाइक है। चलो अब ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास जेसन, आओ गाड़ी पर बैठो, चलते हैं हम गुल्ली बुल्ली को पकड़ने के लिए। और जेसन और इविल नन बाइक से गुल्ली बुल्ली की तरफ ही जाने लगते हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली शॉन और डुगू एक पुल के पास में पहुंच जाते हैं। बुल्ली ये पुल तो बहुत कमजोर लगता है, इस पर अगर हमारी गाड़ी गई तो ये पुल टूटकर नीचे गिर जाएगा। अरे अब क्या करें गुल्ली बुल्ली, जल्दी कुछ सोचो। लेकिन तभी वहां नीचे नदी से एक आइस मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है और गुल्ली बुल्ली शॉन और डुगू उसको देखकर डर जाते हैं। आइस मॉन्स्टर कहता है कि डरो मत गुल्ली बुल्ली, मुझे यहाँ रॉड ने भेजा है तुम्हें ये बताने के लिए कि ये पुल बिल्कुल ठीक है, तुम जा सकते हो इसके ऊपर से, बस ध्यान रहे आराम से जाना। और फिर आइस मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी शॉन कहता है कि वाह गुल्ली बुल्ली, रॉड कितना अच्छा दोस्त है हमारा, वो अभी हमारे साथ में भी नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारी कितनी फिक्र करता है। गुल्ली कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने शॉन। और फिर गुल्ली बुल्ली उस गाड़ी को धीरे धीरे उस पुल पर लेकर आते हैं और आराम आराम से आगे बढ़ने लगते हैं। शॉन कहता है कि ये नीचे नदी तो बहुत गहरी है गुल्ली बुल्ली, अगर हम यहाँ से गलती से भी नीचे गिर गए तो मारे जाएंगे। डुब्बू कहता है कि गुल्ली बुल्ली चलो ना इस नदी में चलकर नहाते हैं, बहुत मजा आएगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो डुब्बू, तुम देखो तो ये कितना गहरा है, अगर हम यहाँ से नीचे गिर गए तो मारे ही जाएंगे। लेकिन तभी वहां जेसन और इविल नन भी आ जाते हैं। वो देखो जेसन, वो लोग उस पुल पर ही है अभी, जाओ और जाकर पुल को तोड़ दो और ये लोग नीचे गिरकर मर जाएंगे। हा। और जेसन उस पुल को तोड़ने लगता है। तभी डुगू जेसन को पुल को तोड़ते हुए देख लेता है। अरे गुल्ली बुल्ली शॉन, वो देखो वो जेसन तो इस पुल को तोड़ रहा है। और बुल्ली और शॉन भी उसको देख लेते हैं। बुल्ली कहता है कि गाड़ी जल्दी से पुल के पार करो गुल्ली, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। और तभी वो पुल टूट जाता है।
लेकिन गुल्ली गुल्ली शॉन और डुगू सही समय पर पुल पार कर लेते हैं। बाल बाल बचे हम बुल्ली, ये जेसन हमारे पीछे कैसे लग गया? गुल्ली गुल्ली हमने क्या कर दिया? बुल्ली कहता है कि ये जेसन पागल है डुगू, इसको बस लोगों को मारने में मजा आता है, और देखो उसके पीछे इविनन भी खड़ी है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, अब पुल टूट चुका है तो ये लोग इधर नहीं आ सकते हैं। तभी इविनन जेसन से कहती कि जेसन आओ मेरे पीछे बैठो। चलो भागो गुल्ली, ये इविनन बहुत खतरनाक है। चलो जल्दी चलो गुल्ली, ये लोग हमारे ठीक पीछे ही हैं। गुल्ली कहता है कि अब इससे तेज गाड़ी नहीं चल सकती है डुगू। हा हा हा, कहां भाग कर जाओगे तुम लोग? और तभी जेसन डुगू को पकड़ लेता है और ये लोग डुगू को लेकर वहां से उड़ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बचाओ मुझे। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन की तो हालत ही खराब हो जाती है। शॉन कहता है कि ये क्या हो गया गुल्ली बुल्ली, हम तो डुगू को उसके घर लेकर जाने वाले थे, लेकिन ये तो उसको कोई और ही ले गया। गुल्ली कहता है कि हमें डुगू को कैसे भी बचाना होगा गुल्ली और शॉन। तो और गुल्ली बुल्ली और शॉन वापस उस किनारे तक आ जाते हैं और फिर ये लोग गाड़ी से नीचे उतर आते हैं। शॉन कहता है कि अब इस गाड़ी का भी क्या फायदा गुल्ली बुल्ली, अब हम वापस उस पार कैसे जाएंगे? बुल्ली कहता है कि हाँ शॉन, उस जेसन ने इस पुल को तोड़ दिया है, तुम ही बताओ अब क्या किया जाए गुल्ली। गुल्ली कहता है कि बुल्ली याद है रॉड ने अपने उस आइस मॉन्स्टर को भेजा था और वो भी बिना हमारे कहे, आओ चलो रॉड को आवाज लगाते हैं, वो जरूर हमारे। और तभी रॉड वहां अपनी सुपर कार लेकर आ जाता है। कैसे हो तुम लोग गुल्ली बुल्ली और शॉन? शॉन कहता है कि रॉड मेरे भाई डुगू को वो जेसन और इविलन उठाकर ले गए हैं, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। रॉड कहता है कि अब वो लोग कहां उसको ले गए होंगे ये तो हमें बाबा ही बता सकते हैं शॉन, चलो आओ तुम लोग फटाक से गाड़ी में बैठ जाओ, हम बाबा के पास चल रहे हैं। और ये सभी लोग रॉड की कार में बैठ जाते हैं और ये लोग जाने लगते हैं बाबा के पास। ये लोग बाबा के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं कि अरे गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड, तुम लोग एक साथ इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? गुल्ली कहता है कि बाबा शॉन का एक दूर का भाई डुगू हमारे पास आया था और हम उसे फिर उसके घर पर छोड़ने जा रहे थे और उसके बाद फिर हम आपके पास ही आने वाले थे, लेकिन रास्ते में उस जेसन और इविलन ने डुगू को पकड़ लिया। हाँ बाबा, और डुगू को उठाकर ले गए वो लोग, बाबा बचा लीजिए डुगू को। बाबा कहते कि तुम लोगों को उसको मेरे पास ही लेकर आ जाना चाहिए था, तुम लोग तो वैसे भी मेरे पास पिकनिक के लिए आने ही वाले थे। रॉड कहता है कि वो सब जाने दीजिए बाबा, अभी पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो लोग डुगू को लेकर गए कहाँ हैं। बाबा कहते हैं कि तुम लोग रुको, मैं अभी अपने जादुई गोले में देखता हूँ। और बाबा अपने जादुई गोले के अंदर सब कुछ देखने लगते हैं। बाबा कहते हैं कि डुगू को उन लोगों ने किसी बंद कमरे में बेहोश करके रखा हुआ है गुल्ली बुल्ली और शॉन, हमें जल्दी से जल्दी पहुंचकर डुगू को बचाना होगा। और तभी बाबा बादल को बुलाते हैं। बादल बाबा को नमस्ते कहता है, आओ गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड, चलते हैं डुगू को बचाने। और ये सभी लोग बादल पर बैठ जाते हैं और बादल निकल जाता है डुगू के पास जाने के लिए। रॉड कहते हैं कि बाबा कितना टाइम लगेगा हमें उस जगह पर पहुंचने में? बाबा कहते हैं कि बस 15 मिनट लगेंगे रॉड। और थोड़ी ही देर में बादल पहुंच जाता है अपनी मंजिल पर। बादल कहता है कि बाबा डुगू को बचाने के लिए आपको इस गुफा के अंदर जाना होगा। बाबा कहते हैं कि लगता है इस गुफा के अंदर पैर रखते ही हम किसी दूसरी दुनिया में चले जाएंगे और वहीं लेकर गए हैं जेसन और इविलन डुगू को। और बाबा उस गुफा के अंदर चले जाते हैं
और फिर ये लोग भी गुफा के अंदर जाने लग जाते हैं और ये सब पहुंच जाते हैं सीधा उस दूसरी दुनिया में। लेकिन इन्हें नहीं पता कि जेसन और इविल नन इन लोगों के आने का ही इंतजार कर रहे थे। और इविल नन एक पेड़ के पीछे से बाबा पर एक तीर चला देती है और फिर जेसन इन लोगों के सामने आ जाता है। जेसन कहता है कि तुम्हारा ही इंतजार था हमें, हा हा हा। और इविल नन भी बाहर निकल आती है। इविल नन कहती है कि तुम्हारा बाबा तो एक तीर में ही ढेर हो गया, अब तुम लोगों को कौन बचाएगा, हा 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 हा। रॉड कहता है कि मैं तुम लोगों को अभी फ्रीज कर देता हूं। इविल नन कहती है कि ये तरीका अब तुम्हारा पुराना हो चला है रॉड। और तभी इविल नन अपनी लेजर की पावर से रॉड पर हमला कर देती है और रॉड की सारी शक्तियां गायब हो जाती हैं और रॉड काला पड़ जाता है। शॉन कहता है कि ये क्या हुआ रॉड के साथ गुल्ली बुल्ली, रॉड तो पूरा काला पड़ चुका है। गुल्ली कहता है कि तुमने क्या किया है रॉड के साथ, रॉड को वापस ठीक करो। जेसन कहता है कि हम तुम लोगों से यहाँ बात करने नहीं आए हैं। इविल नन चलो इन सबको ले चलते हैं, आज सबको मार डालेंगे हम, हा हा हा। जेसन तभी कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन के ऊपर एक बड़ा सा पिंजरा गिर जाता है और ये लोग उसके अंदर कैद हो जाते हैं। जेसन कहता है कि इविल नन तुम यहीं रुको, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ, इन लोगों को उस गाड़ी के अंदर डालकर ले चलेंगे हम इन लोगों को अपने सीक्रेट ठिकाने पर। और जेसन अपनी गाड़ी लेने चला जाता है। गुल्ली कहता है कि तुमने बाबा और रॉड के साथ क्या किया है इविल नन, इन लोगों को वापस ठीक कर दो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कहने से मैं इन्हें ठीक कर दूंगी, बहुत भोले हो तुम लोग, हा हा हा। शॉन कहता है कि ए इविल नन, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें भगा भगा कर मारूंगा। इविल नन कहती है कि छोटे से हो लेकिन गुस्सा बहुत है, ठीक है करो गुस्सा तुम, हा हा हा, मैं भी देखती हूँ कितना गुस्सा है तुम्हारे अंदर। गुल्ली कहता है कि इविल नन ये बताओ कि तुमने डुगू के साथ क्या किया है, कहाँ रखा है तुम लोगों ने उसे। इविल नन कहती है कि उस लड़के की बलि दी जाएगी आज रात में, बहुत मजा आएगा। और तभी वहां जेसन गाड़ी लेकर आ जाता है। चलो इविल नन इन लोगों को गाड़ी के पीछे रखना है अब हमें। इविल नन कहती है कि ये कौन है जेसन। जेसन कहता है कि ये गाड़ी इसी की है इविल नन, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो मैंने इसे ही बोल दिया। चलो इन लोगों को गाड़ी के पीछे रखते हैं। और ये लोग गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड को गाड़ी के पीछे डाल देते हैं। तुम लोग इस गाड़ी से चलो, मैं अपनी अलग सवारी से आऊंगी। और ये लोग जाने लगते हैं अपने सीक्रेट ठिकाने पर। और तभी इविल नन अपने पास एक ड्रैगन को बुलाती है। हा हा, बहुत समय बाद याद किया मुझे तुमने इविल नन, चलो बैठो, आओ चलते हैं। और इविल नन ड्रैगन पर बैठकर जाने लगती है अपने सीक्रेट ठिकाने पर। और इधर जेसन इन लोगों को लेकर पहुंच जाता है अपने सीक्रेट ठिकाने पर। जेसन उस गाड़ी वाले आदमी से कहता है कि तुम यहीं पर इस गाड़ी को रहने दो मोटू, मैं तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे घर ही भिजवा दूंगा। वो आदमी कहता है कि मोटू किसको बोला तुमने। जेसन कहता है कि अरे बुरा मत मानो, तुम तो ऐसे काफी हैंडसम भी लगते हो, चलो कोई बात नहीं, तुम तब तक इस बाइक से जा सकते हो अपने घर। और उसके बाद वो आदमी उस बाइक से वहां से चला जाता है। और तभी वहां इविल नन भी आ जाती है। गुल्ली बुल्ली और शॉन तुम्हारा स्वागत है हमारे इस सीक्रेट ठिकाने पर, अब हम यहाँ तुम सभी लोगों को मार डालेंगे, हा हा हा। और जेसन और इविल नन गुल्ली बुल्ली और शॉन को पिंजरे के साथ ही नीचे रख देते हैं। और तभी गुल्ली कहता है कि इविल नन हमें छोड़ दो ना, हमें जाने दो यहाँ से। हाँ इविल नन, और हमें डुगू को वापस भी कर दो,
हम लोग डुग्गू को लेकर यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। हा हा हा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों की बकवास सुनकर मान जाऊंगी? जेसन, चलो अब समय आ चुका है, पहले उस बाबा और रॉड को ठिकाने लगाना होगा हमें। और तभी एविलन वहां कई सारे मॉन्स्टर्स को बुलाती है। नमस्ते एविलन, बताओ किसको मारना है आज? आज बहुत शिकार है मॉन्स्टर्स हमारे पास। पहले जाओ, इस ट्रक में पीछे दो लोग होंगे, बाबा और रॉड, उन दोनों को जाओ खा लो तुम लोग। हा हा हा। बाबा और रॉड को होश आ चुका था। रॉड तभी उन दोनों मॉन्स्टर्स को फ्रीज करने लगता है, लेकिन एक मॉन्स्टर बचकर एविलन के पास आ जाता है और एविलन बाबा और रॉड को देख लेती है। तभी बाबा उस फ्रीज हुए मॉन्स्टर को ब्लास्ट कर देते हैं और बाबा और रॉड फिर एविलन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बाबा गुल्ली बुली और शॉन को उस पिंजरे से आजाद कर देते हैं और गुल्ली बुली और शॉन भागकर तुरंत रॉड और बाबा के पास आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि डुग्गू को तो हम ढूंढ ही लेंगे, पहले आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा एविलन। और तभी बाबा पर वो दूसरा मॉन्स्टर पीछे से हमला करने के लिए कूद जाता है, लेकिन तभी रॉड उस मॉन्स्टर को फ्रीज कर देता है। रॉड कहता है कि जाइए मार दीजिए इसको बाबा जल्दी से। रुक जाओ बाबा और रॉड, नहीं तो ये तुम्हारे डुग्गू को मैं यहीं इसी वक्त मार डालूंगा। बाबा डुग्गू को बचा लो। तो बाबा जेसन से कहते हैं कि देखो जेसन, चुपचाप से हमें डुग्गू को वापस कर दो, नहीं तो आज तुम दोनों की खैर नहीं। लेकिन तभी एविलन बाबा पर हमला कर देती है। बाबा कहते कि जेसन तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, डुग्गू को मेरे हवाले कर दो। जेसन बाबा की बात को सुनकर थोड़ा डरने लग जाता है। गुल्ली बुल्ली बाबा रॉड, तुम लोग बचा लो मुझे। लेकिन तभी वहां पर वो ट्रक वाला इंसान एक बड़ा सा हॉट एयर बलून लेकर आ जाता है। जेसन और एविलन जल्दी से आ जाओ इसके अंदर। और एविलन और जेसन उस हॉट एयर बलून में चढ़ जाते हैं और ये लोग वहां से जाने लग जाते हैं। बाबा बचाइए मुझे। लेकिन तब तक वो बलून बहुत तेजी से उड़ते हुए वहां से चला जाता है। रॉड कहता है कि बाबा मैं जानता हूं वो लोग कहां गए होंगे, आप भी जल्दी से ऐसा हॉट एयर बलून बुलाइए बाबा, हम इन लोगों का पीछा करेंगे। और तभी बाबा अपनी पावर से वहां एक बड़ा सा बलून मंगाते हैं। बाबा कहते हैं कि चलो गुल्ली बुली शॉन और रॉड, हम लोग उनका पीछा करेंगे और तुम सभी चिंता मत करो, हम इस बार उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये सभी लोग उस हॉट एयर बलून में चढ़कर बैठ जाते हैं और फिर ये लोग जाने लग जाते हैं उन लोगों के पीछे। और इधर वो जेसन और एविलन जा रहे होते हैं डुग्गू को लेकर। जेसन उस आदमी से कहता है कि तुम हमें कहां लेकर जा रहे हो मोटू भाई? वो आदमी कहता है कि तुम शुक्र मनाओ जेसन और एविलन कि मैं सही वक्त पर तुम्हें बचाने आ गया, नहीं तो आज मारे ही जाते तुम सभी। एविलन कहती है कि हाँ हाँ वो तो सही है, अब ये बताओ कि कहां जा रहे हैं हम? वो आदमी कहता है कि ये मेरा घर है एविलन, हम यहाँ ही रुकने वाले हैं। और फिर वो हॉट एयर बलून नीचे उतरने लगता है। और इधर गुल्ली बुली बाबा शॉन और रॉड जेसन और एविलन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी शॉन कहता है कि वो देखिए बाबा, उन लोगों का बलून वहां नीचे दिखाई दे रहा है। और फिर ये लोग भी नीचे उतर आते हैं। गुल्ली कहता है कि बाबा ये बलून तो यही है, लेकिन वो लोग यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहां चले गए हैं वो लोग?
और इधर जेसन और इविलन किनारे से छुपकर इन लोगों को देख रहे होते हैं। जेसन कहता है कि इविलन सुनो, अपने मॉन्स्टर से इन लोगों पर हमला कराओ। और तभी बाबा के सामने तीन मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। रॉड कहते कि बाबा यहाँ तो तीन तीन मॉन्स्टर्स आ गए। बाबा कहते हैं कि बस देखते जाओ तुम लोग। बाबा कहते हैं कि इन मॉन्स्टर्स को हमारे पास इविल नन ने भेजा था रॉड, इसका मतलब वो लोग हमें यहीं कहीं से छुपकर देख रहे हैं। तभी शॉन उन लोगों को देख लेता है। शॉन कहते हैं कि बाबा वो देखिए, वो वहां छुपे हुए हैं। और फिर वो सभी लोग बाबा के सामने आ जाते हैं। इविल नन कहते कि बाबा तुम अब हार मान लो, हा हा हा। बाबा कहते कि हार तो तुम्हें मानना पड़ेगा इविल नन। और तभी वो आदमी कहता है कि जेसन तुम इस डुबू को मार क्यों नहीं देते, हा हा हा। उस आदमी की बात को सुनकर रॉड को गुस्सा आ जाता है और रॉड उस आदमी को फ्रीज कर देता है। ये लड़ाई हमारे और तुम्हारे बीच में है जेसन और इविल नन, इस तीसरे आदमी को बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जेसन को रॉड की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और जेसन जाकर रॉड पर हमला कर देता है। लेकिन रॉड जेसन को भी फ्रीज कर देता है। बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है इविलन। और तभी रॉड इविलन को भी फ्रीज कर देता है और बाबा इविलन को मारकर दूर कहीं फेंक देते हैं। और इधर रॉड भी जेसन को मारकर दूर फेंक देता है। शॉन कहता है कि बाबा और रॉड, डुगू बिल्कुल सही सलामत है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डुगू कहता है कि बाबा आप सबसे अच्छे हो और रॉड तुम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो। रॉड कहता है कि चलो अब हम सभी लोग मेरे घर चलते हैं और वहां चलकर तुम सभी को मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा, हा हा हा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।